हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके पास है Redmi Note 12 Pro 5G फ़ोन और इस फ़ोन में दोस्तों आप जो है ऐप लॉक करना चाहते हैं, किसी भी ऐप पर लॉक लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे इसके लिए सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है, आप दोस्तों अपने मोबाइल की जो है सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे सेटिंग ओपन कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे को ना यहाँ पे मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन, ऐप्स पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे दोस्तों ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे टर्न ऑन का ऑप्शन आ जाएगा, टर्न ऑन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों अपना जो है ऐप लॉक एक पैटर्न बना लेना है, जिस हिसाब से बनाना चाहें बना सकते हैं, दोबारा से डाल देना है। डालने के बाद में नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे नॉट नाउ का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, उसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड चलेगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों नॉट नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐप्स पे पहले से ही लोग चेक मार्क बना है, तो ये चाहें तो यही ऐप लॉक कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा लेना चाहें तो इन्हें अनचेक कर दीजिए। उसके बाद में यूज़ ऐप लॉक पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे इसे पहले कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जिस ऐप को आप लॉक करना चाहें उसे ले सकते हैं, प्ले स्टोर है, इस प्रकार से ले लेंगे। जिस कुल मिला के जिस ऐप को लॉक करना है इस प्रकार से इनेबल कर लेना है, सक्सेसफुली आपका ऐप लॉक हो जाएगा। यहाँ से बैक जाएंगे, ठीक है, और बैक आ जाने के बाद में दोस्तों आपको देख लेना है आपका प्ले स्टोर कहाँ है। ये रहा प्ले स्टोर, तो यहाँ पे दोस्तों ये एक बार मांगेगा डू नॉट अस्क कर देना है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। अब दोबारा से ये लिख के कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ऐप लॉक लगा है आपका, जो भी आपने बनाया था सिंपली उसे दोस्तों यहाँ पे डाल देना है और ये अनलॉक हो जाएगा।